हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आईएमएस सीएट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और कान में ईयरफोन लगाओ और चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैकेंट का अपोजिट ऑक्यूपाइड, वीक का अपोजिट क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टडी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड आउट मिसिंग फिगर ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो डी में क्या होगा आंसर इसका? तो चलो देखते हैं आंसर को। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। इन सिलोगिज्म कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड ऑप्शन पैटर्न इज सेम लाइक सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ कंक्लूजन एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस आर इन फॉलोइंग मैनर। वन, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। बी, इफ ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। सी, आइदर वन और टू फॉलोज। डी, इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोज एंड इफ बोथ वन एंड टू फॉलोज। तो इसका हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन, सम लैपटॉप्स आर कीबोर्ड, कुछ लैपटॉप्स कीबोर्ड हैं। इसका हमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल द केबल्स आर कीबोर्ड। उसके कंक्लूजन हैं, सम कीबोर्ड्स आर केबल, सम कीबोर्ड्स आर लैपटॉप। तो इसका आंसर देखते हैं, बस दोनों कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो कंक्लूजन वन देखते हैं। कंक्लूजन वन का स्टेटमेंट नंबर वन, सम लैपटॉप्स आर कीबोर्ड। टू, ऑल द केबल्स आर कीबोर्ड। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो केबल्स पे 100 का एक्सपेंस है और कीबोर्ड पे 50 का। कंक्लूजन टू देखते हैं, सम कीबोर्ड्स आर केबल, इसमें 50-50 है, सम कीबोर्ड्स आर लैपटॉप। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इनकम इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्सपेंस। अब देखते हैं फॉर कंक्लूजन टू, स्टेटमेंट्स हैं हमारे सम लैपटॉप्स आर कीबोर्ड, ऑल द केबल्स आर कीबोर्ड। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं, सम कीबोर्ड्स आर केबल, सम कीबोर्ड्स आर लैपटॉप, दोनों में 50-50 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनकम इज स्मॉलर लेस देन एक्सपेंस और इक्वल टू एक्सपेंस, ये हो गया जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर फोर, देयर आर सिक्स पर्सन्स, अश्विन, किरण, कोमल, दीपेन, ईशा एंड मित्तल। कोमल इज सिस्टर ऑफ मित्तल, किरण इज ब्रदर ऑफ ईशाज हस्बैंड, दीपेन इज फादर ऑफ अश्विन एंड ग्रैंड फादर ऑफ मित्तल। देयर आर टू फादर्स, थ्री ब्रदर्स एंड मदर इन अ ग्रुप, हु इज द मदर? ऑप्शन ए अश्विन, बी किरण, सी कोमल या डी ईशा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्री चार्ट। ट्री चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, उसके बाद इसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि दीपेन इज फादर ऑफ अश्विन एंड ग्रैंड फादर ऑफ मित्तल, सो अश्विन इज फादर ऑफ मित्तल। दस, दीपेन एंड अश्विन आर टू फादर्स, कोमल इज द सिस्टर ऑफ मित्तल, सो कोमल इज द डॉटर ऑफ अश्विन। जो आपको अश्विन दिख रहा है और ये दिख रहा है कोमल, ये कनेक्टेड है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, ये आप देख सकते हो। ये ट्री चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्री चार्ट को समझना इज इम्पॉर्टेंट। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो, दीपेन जो है वो अश्विन का फादर है, अश्विन जो है वो मित्तल का फादर है और मित्तल की बहन है कोमल। तो अश्विन अगर मित्तल का फादर है तो कोमल इसकी बहन है, तो ये डायरेक्टली हो गया ना, अश्विन इसका फादर, इसका भी फादर हुआ, कोमल का भी फादर हुआ, ये जस्टिफाई हो गया। अब अगर देर इज ओनली वन मदर, इट इज एविडेंट दैट ईसा इज वाइफ ऑफ अश्विन एंड हेंस द मदर ऑफ कोमल एंड मित्तल। सो किरण इज ब्रदर ऑफ अश्विन, क्लियरली अश्विन इज ईसाज हस्बैंड, सो आंसर इज ईसा। जो क्वेश्चन में पूछा है हु इज द मदर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईसा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मोरिस इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स मोर। नाउ ही अगेन टर्न 45 डिग्री क्लॉक वाइज एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर्स, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट या ऑप्शन डी साउथ ईस्ट या ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा साउथ ईस्ट। आएगा कैसे, ये डायग्राम देखो, यहाँ से जब ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर गया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया इसने और 25 किलोमीटर चला। तो ये हिंद कहाँ पहुँचा, ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे पहुँचा, ग्रीन से स्टार्ट किया रेड पे पहुँचा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, सी ई एच क्वेश्चन मार्क, ओ क्यू टी या यू डब्ल्यू जेड, इसके ऑप्शंस दिए हैं ए सी जी, बी आई के एन, सी एफ जी जे
DKLM, तो इसका आंसर होगा IKN, क्योंकि ये लेटर्स देखो, क्योंकि इसका सिनेरियो देखो, जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय स्किपिंग फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट फॉर्म फर्स्ट लेटर, एंड थर्ड लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय स्किपिंग टू लेटर्स फ्रॉम द सेकंड लेटर। जो दूसरा लेटर है वो अल्फाबेट में पहला लेटर स्किप करने पे आया है, और जो तीसरा लेटर है वो दो लेटर स्किप करने पे आया है दूसरे लेटर से। क्वेश्चन नंबर 7th, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टीयर्स इज कोडेड एज 18, सो हाउ विल बी द वाटर कोडेड। ऑप्शन इसके 25, 22, 18 या 20, तो इसका हम देखते हैं, न्यूमेरिक पोजिशन ऑफ ईच लेटर इज एडेड अंटिल इट रीचेज टू अ सिंगल डिजिट नंबर एंड देन ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज आर एडेड। टी 20th लेटर है, सो 2 + 0 = 2, ई को 5, ए को हम लिख सकते हैं 1, आर 18, 1 + 8 = 9, एस 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, 2 + 5 + 1 + 9 + 1, 18। ऐसे ही अगर हम वाटर को कोड करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 8, पिक द ऑड वन आउट। इसके ऑप्शंस हैं 671, बी 352, सी 211, डी 561। तो इसको हम देखते हैं सिनेरियो कैसे बन रहा है। मिडिल नंबर इज एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, जैसे कि 6 + 1 = 7, 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3, लेकिन ये गलत हो गया, तो इसमें ऑड आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 211। अभी एक सिनेरियो दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो, 9 to 12 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो पहला है इसमें, 5 boys अश्विन, दीपेश, ईशान, चेतन एंड बिपिन, एंड 5 girls पारुल, कोमल, राधा, सविता एंड विमला सिट इन 2 rows फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। ऑल द बॉयज आर इन 1 row एंड ऑल द गर्ल्स आर इन द अदर रो। दूसरा जो है, ईशान हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बिपिन एंड अपोजिट टू पारुल इज नॉट एट एनी एंड, राधा हु इज इमीडिएट टू राइट ऑफ कोमल एंड अपोजिट टू चेतन इज एट वन ऑफ द एंड्स, अश्विन इज अपोजिट टू कमल हु इज द थर्ड ऑफ टू द राइट ऑफ सविता, दीपेश एंड विमला आर अपोजिट ईच अदर। तो इसमें क्वेश्चंस हैं, हु इज द मिडिल ऑफ द रो ऑफ बॉयज, इसके ऑप्शंस हैं अश्विन, बिपिन, दीपेश, नन ऑफ दीज, 10th, हु इज इमीडिएट टू राइट ऑफ पारुल, राधा, सविता, विमल, विमला या कोमल। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज अपोजिट ऑफ दीपेश, ए कोमल, बी सविता, सी पारुल, डी राधा। 12, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अश्विन एंड विपिन, ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो इसके आंसर्स देखते हैं, आंसर 9 to 12, वो क्या दिया था, दीपेश, ईशान, बिपिन, अश्विन, चेतन एक रो में बैठे हैं, सविता, पारुल, विमला, कोमल, राधा एक रो में बैठे हैं, तो उस हिसाब से हमारे आंसर्स हो जाएंगे। 9th का होगा ऑप्शन नंबर बी बिपिन, 10th का होगा विमला, 11th का होगा सविता, 12th का होगा 0। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, इन ईच क्वेश्चन बिलो 13 टू 16 इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाई 2 conclusions नंबर्ड 1 and 2, यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, देन कंसिडर द 2 conclusion टुगेदर एंड डिसाइड विच ऑफ देम इज लॉजिकली करेक्ट एंड रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सी either conclusion 1 or 2 follows, D neither 1 or 2 follows, and E if both 1 and 2 follows। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस को, इसमें स्टेटमेंट है, an advertisement of company XYZ, if you are a software engineer we want to hire you, इसका conclusion देखते हैं, company hires no person with other qualifications, second company XYZ is in need of software engineers। क्वेश्चन 14 है, स्टेटमेंट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके कंक्लूजन हैं, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी देयर आर मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर डेमोक्रेटिक। अभी मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं बाद में अगर आंसर दिखाऊंगा तो इजी होगा, इसलिए देखना। 15th है, श्याम इज वन ऑफ द प्रोबेबल स्टूडेंट्स फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास, कंक्लूजन है श्याम विल रैंक फर्स्ट रैंक, श्याम विल नॉट सिक्योर फर्स्ट रैंक। स्टेटमेंट नंबर 16, एन एडवर्टीजमेंट 50% ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अप टिल 31st January,
इसके कंक्लूजन देखते हैं। आफ्टर 31 जनवरी नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड। अभी नो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आफ्टर 31 जनवरी। अब देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को। तो हमारा जो 13th क्वेश्चन था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट एप्रोप्रिएट एज नथिंग इज मेंशनड इन द स्टेटमेंट अबाउट कंपनी एक्स वाई जेड नॉट हायरिंग पीपल फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशन। 14th नाइदर 1 और 2 फॉलोज। दिस इज बिकॉज इन द स्टेटमेंट नथिंग इज मेंशनड अबाउट अदर कंट्रीज। द स्टेटमेंट ओनली टॉक्स अबाउट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15th का आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज एज द स्टेटमेंट सेज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल। 1 श्याम विल बी द फर्स्ट इन क्लास और वॉन्ट बी बट बोथ थिंग्स कैन हैपन सिमल्टेनियसली हेंस ऑप्शन सी इज अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन 2 इज नॉट वैलिड एज द स्टेटमेंट क्लियरली सेज दैट द सेल इज अप टिल 31st January। Nothing like the sale of electronic goods will stop after 31st Jan is mentioned. So only option number 1 follows. ये हो गया हमारे question number 16. अब देखते हैं 17th questions. इसमें लिखा हुआ है The authorities in society X are cracking down on street hawkers, blaming them for traffic jams near their society. इसमें actions क्या हो सकते हैं? पहला है Street hawkers should not be allowed during peak hours. Second, street hawkers should be warned and asked not to create chaos. इसके हमारे इस ये सिनेरियो क्या है? Only 1 follows. B है only 2 follows. Either 1 or 2 follows. D neither 1 or 2 follows. E both 1 and 2 follows. तो इसका आंसर होगा एक्सप्लेनेशन देख लो आप। Here a situation of traffic jam is depicted and the action mentioned give different ways for improving the situation. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन 18 दिया हुआ है देयर आर 16 टीम्स एंड दे आर डिवाइडेड टू ग्रुप्स ऑफ 8 ईच टीम इन अ ग्रुप प्लेज अगेंस्ट वन अनदर ऑन राउंड रॉबिन बेसिस 2 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर अ विन 1 पॉइंट फॉर अ टाई एंड 0 फॉर अ लॉस द टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप विल क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड दैट इज अराउंड 2 इन अराउंड 2 ईच टीम ऑफ 1 ग्रुप विल प्ले विद ईच टीम ऑफ ग्रुप 2 At the end of second round, the top 4 team in terms of the points scored advance to semi-finals and the winners of the semi-final plays the finals. In case of teams having same numbers of wins, the team with better run rate would be ranked ahead. पर ये RCB का question हमारे general aptitude में क्यों आया? कोई ना, देखते हैं. Note, write down all the key points which are mentioned in questions like total 16 teams, 2 groups, each group having 8 teams, point win 2, tie draw 1, loss 0, top 4 team from each group will be go to next round, semi-finals. So, questions diya hua isme, what is the total number of matches played in a tournament? Ye to IPL dekhne wala har banda bata dega, iska answer hoga 75. Iska solution dekh lete hain. Total matches is equal to number of group A matches plus number of group B matches plus round 2 plus semi-finals plus finals. ये करेंगे तो हमें मिलेगा 28 plus 28 plus 16 plus 2 plus 1 is equal to 75. Now question number 19. If the minute hand of a clock has moved 300 degree, how many degree has the hour hand moved? इसके options हैं 25 degree, 150 degree, 50 degree, 300 degree. तो इसका solution देख लेते हैं. The speed of hour hand is 0.5 degree per minute and the speed of minute hand is 6 degree per minute. So 300 degree transverse by minute hand is 300 divided by 60 is equal to 50 minutes. Thus the angle moved by the hour hand in 50 minutes is 50 divided by 0.5 is equal to 25 degree. So iska answer ho jayega option number A. Hamara jo 20th question hai ye hai in a coded message slow move get backwards fire away is written as VFMD ZMWE BENPCTLDCOXU QHOECDCI. Based on this coding scheme, spot the codes for following words SALTY. So iske options diye hain UCFNI UCFIN UCINF UCHIN.
तो इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा ऐसा, जिसमें जो हमें वर्ड्स दिए हैं उनको ऊपर लिखना होगा, उनका कोड लिखेंगे, फिर कोड और लेटर को अगर हम एक साथ कंपेयर करें तो अगर हम SALTY लिख रहे हैं तो हमें मिलेगा UCFNI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, UCFNI। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4137 टू द पावर 754। तो इसका हम देखते हैं, ये रहा एक्सप्लेनेशन, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। इफ इट इज नॉट डिविजिबल देन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बी व्हेन डिवाइडेड बाय 4। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू ए टू द पावर आर, आर इज द रिमाइंडर। नंबर इज इन द फॉर्म ए बी, दैट इज 4137 ब्रैकेट 754। अब इसको हम करेंगे 4 × 188 तो हमें मिलेगा 752। देयरफॉर वी गेट रिमाइंडर एज 2। इसके बाद हमारा है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4137 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 17114769। अब हमें यूनिट डिजिट पे मिल गया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम ऑफ द स्क्वायर इज 2531। तो हमारे ऑप्शंस हैं 19, 21, 23, 23, 25, 27, 27, 29, 31, 31, 33, 35। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। हम तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को क्या मानेंगे, पहले x ले लेंगे, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4। तो अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2531, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर ये 4x हो जाएगा माइनस 837 हो जाएगा, को हमने जीरो को हमने RHS पे कर दिया। अब हमें क्या आया, 27 × 31 इज इक्वल टू 837 एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस बिटवीन 27 and 31 इज 4। देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 31x माइनस 27x इंटू 837 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें x प्लस 31, x माइनस 27, x 27 और x हो जाएगा माइनस 31। फिर द वैल्यू निकालना होगा तो x हमें x अगर मिल गया तो हम x प्लस 2 करके 27 प्लस 2 करके 29 और x प्लस 4 27 प्लस 4 करके 31 ले आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 12, 15 and 18। ऑप्शन हैं 9900, बी 9750, सी 9450, डी 9000। तो हमें सभी को पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। और ये क्वेश्चन ट्रिकी है तो हम इसलिए इसमें एलसीएफ नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम हमें मिलेगा, 12 का मिलेगा 2 × 2 × 3, 15 का 5 × 3, 18 का 2 × 3 × 3। तो इन तीनों का एलसीएम मिल जाएगा 180। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड 9999 बाई 180, वी गेट रिमाइंडर एज 99। द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9999 माइनस 99, तो आंसर हो जाएगा 1900, जो कि है ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं जल्दी जनरल एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट बना के अभी अपलोड करूंगा। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो चैनल पे विजिट कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।